सर्टिफिकेट से नाम गायब कर दिया वीर बाबू वीर कुंवर सिंह का। ये राजनीति के साथी लोग हैं, फर्जीवाड़ा करने वाले लोग। और हमको लगता है ऐसा, कोई पगड़ी जो बांधे है ना, तो मान लीजिए 2400 घंटा पगड़ी बांधे रहिएगा, इसमें हवा हुआ नहीं लगेगा, तो कुछ तो दिक्कत होगी। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे। भाजपा कल विजय उत्सव मना रहा था, वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव, इसी को लेकर बिहार में राजनीति काफ़ी तेज है। अब जेडीयू कोटे से एमएलसी नीरज कुमार ने जबरदस्त हमला बोला है और कहा है कि विजय उत्सव तो मना रहे हैं लेकिन उनके परिजनों के बारे में, उनके तीसरी पीढ़ी के बारे में ये लोग सोचते नहीं है। तमाम चीज़ों को लेकर नीरज कुमार बीजेपी के ऊपर हमला कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर कहा था कि गजनी फिल्म में जिस तरीके से नायक भूल जाते हैं, ठीक उसी तरीके नीतीश कुमार भी अब भूल जाते हैं। अब इसे लेकर एमएलसी ने, नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी पर जोरदार हमला बोला और कहा है कि सम्राट चौधरी खुद जो सर में पगड़ी जो बांधते हैं, उस पगड़ी के कारण सिर में ना हवा लगता है, तो मेडिकल साइंस के हिसाब से कुछ दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी को लेकर जेडीयू कोटे से एमएलसी नीरज कुमार। राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे, 367 दिन हो गया, बताओ कहां पर बनाया राष्ट्रीय स्मारक? बाबू वीर कुंवर सिंह के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक कहां बना है? यह भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। कितना बड़ा अपमान इसने बाबू कुंवर सिंह का किया, देखिए क्या यह मार्केटिंग करता है और देश के आजादी के आंदोलन के नायक को अपमानित करता है। ये भारतीय जनता पार्टी की वंश परंपरा के लोग गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया, गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया कि देश की तिरंगा फहराया गया, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। मैं ये पेपर दिखा रहा हूं आपको, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स सर्टिफिकेट, द मोस्ट पीपल वेविंग फ्लैग्स वाज अचीव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। द मोस्ट पीपल वेविंग फ्लैग्स, जो बहुतेरे लोगों ने जो झंडा फहराया, इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जिसने कम, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आजादी का अमृत महोत्सव जगदीशपुर भोजपुर बिहार में 23 अप्रैल 2022 को मनाया, इसका सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। इस सर्टिफिकेट में वीर कुंवर सिंह का नाम क्यों नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। जिस गिनीज बुक की तुम चर्चा कर रहे हो कि हमने ये बड़ा उपलब्धि हासिल किया, उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह को ही का ही नाम गायब कर दिया। यह नहीं लिखा कि उनके उनके स्मृति में यह कार्यक्रम हुआ वीर जन्मोत्सव में, यह वीर कुंवर सिंह का अपमान नहीं तो और क्या है। सर्टिफिकेट से नाम गायब कर दिया वीर बाबू वीर कुंवर सिंह का। ये राजनीति के साथी लोग हैं, फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, ये देश की आजादी के आंदोलन के नायक का अपमान कर रहे हैं। नहीं तो अमित शाह बताओ क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम है? बिहार के लोग और देश के लोग, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका अदा की, हमारे वो अभिभावक थे, हमारे परिजन थे, अगर तुमने अपमान करने की कोशिश की है तो आपका हर फर्जीवाड़ा का खुलासा करें। मिलने में नजर बंद कर देता हम के परिवार को, और जब सर्टिफिकेट इश्यू होता है द मिनिस्ट्री ऑफ होम इतिहास में दर्ज रहे कि अमित शाह गृह मंत्री उस समय थे, तो अपना नाम दर्ज करने में गौरव होता है। और माननीय बाबू कुंवर सिंह का नाम इतिहास के पन्नों से तुम मिटाना चाहते हो, ये तुम्हारी साजिश है, इसको सफल नहीं होने दे। नहीं तो बताओ कौन गुनाहगार इसके लिए है, बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम क्यों नहीं दर्ज हुआ, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। अब मित्रों हम बताना चाहते हैं आपको क्या अंतर है 23 अप्रैल 2022 को बाबा बाबू वीर कुंवर सिंह के परिवार को रोक दिया गया। अमित शाह जी आपको उनसे भी खतरा हो गया, बाबू कुंवर सिंह का जो परिवार है उससे भी खतरा आपको था। वो बूढ़ी माता को भी मिलने नहीं दिया गया, घर में नजर बंद कर दिया,
इसलिए कि लज्जा लगता है। हो सकता है मैं नहीं जानता उस परिवार को, लेकिन हो सकता है कि वह जाकर कहती कि अमित शाह एक ऐसा पार्टी का आया है जिसके पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। दूसरा सवाल है मेरा मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में बताया, सुनील बाबू ने मंजीत जी ने स्वतंत्रता सेनानी का बेटा जब मिलता है, वो फोटोग्राफ भी मैंने दिखाया कि कैसे माननीय नीतीश कुमार जी उनके परिजन से मिलते हैं और कितना प्यार और कितना सम्मान उस परिवार को देते हैं। आई इतना बड़ा फर्जी वाला करने वाला है, अरे सीखो नीतीश कुमार जी से, एक आजादी के आंदोलन के नायक का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री जब बने तो स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी को नौकरियों में आरक्षण दिया। राष्ट्रवादी बनते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, तो क्यों नहीं दिया केंद्रीय सेवाओं में स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी को आरक्षण? हमने क्षेत्रीय आधार पर नौकरियों में आरक्षण दिया है, सरकारी नौकरियों में, लेकिन मोदी शाह की सरकार ने नहीं दिया है। तो आप कैसा राष्ट्रवादी है, तिरंगा लेकर के तिरंगे का अपमान कर रहे हो? बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम सर्टिफिकेट से गायब कर दिया, ये घृणा है इसके मन में, घृणा का प्रतीक बना दिया। कहा कि हम बाबू वीर कुंवर सिंह का भाषण में नाम लेंगे, लेकिन गिरिज बुक में अगर नाम दर्ज होगा तो बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम नहीं रहेगा उसमें। अब बताइए 367 दिन हो गया, शिला पूजन करने में लाज लगता है राष्ट्रीय स्मारक का? शिला पूजन करते हैं, फर्जी घोषणा करते हैं, कहा कि राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे, कहां बना है राष्ट्रीय स्मारक यह बताओ, और यह प्रमाण है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बताए 4 अप्रैल 2023 केंद्रीय संस्कृति मंत्री किरण रेड्डी ने लोकसभा के उत्तर में कहा, इसको ध्यान से सुनिएगा मीडिया के साथियों, कहा कि बिहार में किसी सांस्कृतिक स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का केंद्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये कितना बड़ा झूठा है सर कि देश का गृह मंत्री 22 अप्रैल 2022 को कहता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह का राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा, और लोकसभा में उसका मंत्री कहता है कि ऐसा स्मारक घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। देश का गृह मंत्री झूठा हो, असत्य बोलता हो, वीर कुंवर सिंह को इतिहास से मिटाने की कोशिश किया हो, सर्टिफिकेट से उनको गायब कर दिया हो, क्या नजरिया देश के सामने पेश करना चाहते हैं आप? इन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि जुबान में खामोश हो जाता है। हर तुम्हारा जो राजनीतिक असत्य बोल रहे हो सबका इलाज करेंगे, जब आए तब झूठ, तिरंगा लेके कहा 13 वर्ष से हम सार्वजनिक जीवन में है। बताइए आप सब लोग तो हैं, पढ़िएगा वही का वीडियो है कि 13 वर्ष की उम्र से मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, मैंने आज तक ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा, बिहार की जनता ने ऐसा राजनीतिक जालसाज भी नहीं देखा जिसने बाबू कुंवर सिंह का अपमान कर दिया हो, ऐसा राजनीतिक जालसाज किसी ने नहीं देखा। कहा कि राष्ट्रीय स्मारक बना देंगे, उसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, ऐसा कोई राजनीतिक जालसाज नहीं मिला होगा कि देश की आजादी के आंदोलन के पुरखे, वह भी प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के पुरखे बाबू कुंवर सिंह को भी नहीं बख्शा, ऐसा कोई राजनीतिक जालसाज नहीं मिला होगा जिसने गिनीज बुक में तो यह लिखवा दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, लेकिन उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम नहीं दिया। तो विरासत को आपने बिहार का डागडोर दे दिया, जिसके पिता ने संकल्प लिया है व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी को भागलपुर में गढ़ देने का, व्यक्ति के रूप में पार्टी में नहीं, राजनीति का नहीं। मुबारक हो भारतीय जनता पार्टी को, आपने तो चुना भी है प्रदेश अध्यक्ष ऐसा ही, और हमको लगता है ऐसा को पगड़ी जो बांधे है ना, तो मान लीजिए 24 घंटा पगड़ी बांधे रहिएगा, इनमें हवा हुआ नहीं लगेगा, तो कुछ तो दिक्कत होगी।
मैंने मेडिकल साइंस डॉक्टर साहब बताया क्या सर, अगर कोई आदमी हरदम पगड़ी बांधे रहेगा और रात दिन नहीं खोलेगा, लेटरी जा रहा है तभी नहीं खोलेगा, क्या दिक्कत हो सकती है? घास के ऊपर अगर ईंटा रख दीजिएगा तो नीचे घास पहले पीला होगा, ज्यादा देर तक छोड़ दीजिएगा तो घास सूख जाएगा, सूख जाएगा तो आगे कुछ नहीं होगा। अभी जो है ना, अभी पीलापन पर थोड़ा थोड़ा ऐसे कर रहे हैं, बाद में टोटल एमसीबी गिरेगा तो दिक्कत हो जाएगा, हम समझ लें। तो आपने देखा, नीरज कुमार ने साफ तौर से जेडीयू के जो नीरज कुमार हैं उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि जिस तरीके से वो सिर में पगड़ी जो बांधते हैं, इस पर जब सिर में हवा नहीं लगता है तो मेडिकल साइंस के हिसाब से कुछ दिक्कत हो सकता है। साथ ही साथ जिस तरीके से भाजपा वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव मना रहा था उसे लेकर भी तमाम चीज़ों को इन्होंने उल्लेख किया और कहा कि नीतीश कुमार जितना वीर कुंवर सिंह के परिवार के बारे में, उनके परिजनों के बारे में, तीसरी पीढ़ी के बारे में जितना सोचते हैं उतना भाजपा सोचती नहीं है। साथ ही साथ यह भी कह दिया नीरज कुमार ने कि भाजपा यह दिखाती तो है, विजय उत्सव मनाती है, लेकिन वीर कुंवर सिंह के तरह जो उनका जो विजय उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन जो आज़ादी का जो संघर्ष था, आज़ादी की लड़ाई में भाजपा के कोई भी पूर्वज शामिल नहीं थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इसके ऊपर भाजपा भी पलटवार करता है। इस तरह के तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।